यो पीपल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं लीग ऑफ लेजेंड वाइल्ड रिफ्ट के बारे में। सो गाइज यार, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लीग ऑफ लेजेंड रियली में इंडिया में बैन होगा। तो यार आप लोग सोचोगे कि भाई मैंने पिछले टॉपिक में भी तो यही बताया था। सो गाइज यार, आज का टॉपिक बहुत ही अलग है कल के टॉपिक से। आज की वीडियो में हम लोग कन्फर्म पता करने वाले हैं कि क्या रियली में बैन होगा इंडिया में वाइल्ड रिफ्ट जो है आने के बाद। सो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यार आज का टॉपिक जो है आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लीग ऑफ लेजेंड के फैन हो और खासकर अगर आप इंडिया से हो तो यार आप लोग के लिए तो ये वाला टॉपिक फाड़ू होने वाला है यार। तो चलो यार इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो यार प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारा ऐसे मैं लीग ऑफ लेजेंड वाइल्ड रिफ्ट का न्यूज़ जो है गाइस लाते रहता हूँ एंड आप लोग को जो है न्यूज़ मैं बताते रहता हूँ। सो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना यार एंड बेल आइकन ज़रूरी से दबाना यार, क्योंकि अगर मैं वीडियो डालूँ तो आप लोग को जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके सो चलो यार टॉपिक पे वापस आते हैं एंड अभी बात करते हैं कि क्या लीग ऑफ लेजेंड जो है गाइस बैन होगा इंडिया में या फिर नहीं होगा। तो यार सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा। सो यार बहुत लोग सोच रहे हैं कि भाई ये इसमें तो कुछ खास बात नहीं है, तो नॉर्मल सा ट्विटर बैन फोर्स का। तो यार ये मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बंदे ने रिट्वीट करते हुए बोला है, देखो यार यहाँ पे इसने बोला है कि भाई इंडिया में जो है वाइल्ड रिफ्ट नहीं बैन होगा एंड यहाँ पे गाइस इसने लिखा है जैसे बहुत सारे टेंशन के गेम हैं वो भी नहीं बैन हुए हैं। एंड बाय द वे जो रियोट गेम्स है यार वो जो है प्योरली जो है अमेरिकन का जो है गाइस कंपनी है एंड ये कोई चाइना से नहीं है रियोट गेम। भले ही रियोट गेम जो है गाइस टेंशन ऑन करता है और यहाँ पर जो गाइस है वाइल्ड रिफ्ट को जो डेवलप कर रहा है वो जो है यार लाइक रियोट गेम्स ही कर रहा है एंड जितने भी डेवलपर्स है गाइस वो सारे अमेरिकन हैं। तो यहाँ पे एक चांस है गाइस हम लोग के पास कि लीग ऑफ लेजेंड जो है बैन नहीं हो सकता है एंड यहाँ पे मेरे को भी लग रहा है गाइस बैन नहीं होगा, क्योंकि यार मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लीग ऑफ लेजेंड का रियोट गेम्स का जो है गाइस बहुत सारा गेम यहाँ पर 3-4 ऐप आपको दिख रहा है गाइस अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। तो ये भी अगर बैन होना रहता तो ऑलरेडी गाइस यहाँ पे बैन हो जाता यार एंड ऑलरेडी 3 ऐप जो है अवेलेबल है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, खुद भी जाके आप लोग सर्च कर सकते हो। तो अगर ये बैन नहीं हुआ तो भाई हो सकता है लीग ऑफ लेजेंड भी ना बैन हो यार। एंड मुझे तो लग रहा है भाई, मैं इतना तो कन्फर्म हूँ भाई, लीग ऑफ लेजेंड जो है गाइस किसी भी तरह से बैन नहीं होने वाला है इंडिया में एंड हम लोग को जल्दी जो है गाइस बीटा टेस्टिंग मिलने वाला है एंड बीटा टेस्टिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कब तक बीटा टेस्ट इंडिया में अवेलेबल होगा। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना रिलीज डेट जानने के लिए। तो यार अभी बहुत लोग मेरे से बोलेंगे भाई तू बात को इतना क्यों घुमा रहा है भाई, सीधे सीधे बता देना भाई कि इंडिया में आएगा तो बैन होगा कि नहीं लीग ऑफ लेजेंड्स वाइल्ड रिफ्ट जो है बैन होगा या फिर नहीं होगा। तो यार अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मेरे को यहाँ पे 99% का इस चांस लग रहा है कि नहीं ही बैन होगा गाइस, क्योंकि जो मेन डेवलपर्स है यार वो तो हमारे अमेरिका के हैं यार। तो मेरे को नहीं लगता कि यार ये गेम इंडिया में बैन होगा। सो यार आपका क्या ओपिनियन है आप लोग भी कमेंट में बता देना। सो चलो यार इस वीडियो को यहीं पे रैप अप कर लेते हैं। तो आपसे मिलता हूँ न्यू वीडियो में। बाय बाय।